हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण झा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में आज लेकर के आया हूँ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन पैरामैग्नीशियम टॉपिक। पिछले इससे पहले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े थे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स और फिर हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज का जो सेशन है हमारा वो है पैरामैग्नीशियम के बारे में। तो पैरामैग्नीशियम ये ऑर्गेनिज्म जो है ये भी हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में होलोजोइक मोड फॉलो करता है। होलोजोइक मोड के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड अपने बॉडी के अंदर में लेगा, इंजेक्शन करेगा, उसको फिर डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करने के बाद उसको जो है एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसको यूटिलाइज करेगा, एसिमिलेशन उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, उसके बाद एसिमिलेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। तो पांच स्टेप्स बेसिकली होता है। यहाँ पर पैरामैग्नीशियम जो है ना इसका डायग्राम हम लोग फटाक से बना लेते हैं। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं तुम लोग भी जो है बनाने का कोशिश करो डायग्राम। सो देखो ये पैरामैग्नीशियम जो है इस तरह से ये दिखता है और इसके बॉडी में जो है ना फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो फाइन हेयर लाइक, फाइन का मतलब बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे, ये जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया सीलिया जो है ना देखो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सीलिया है, ये चारों जो है एक साथ में ये लोग जो है ना यूनाइट होकर के आगे पीछे ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करेगा। तो यहां पर जो है ना इसका एक ओपनिंग होता है, एक माउथ की तरह, जैसे हम लोग का बकल कैविटी है माउथ है, वैसे ही जो है यहाँ पर एक ओपनिंग होगा, ठीक है ना, जिससे वो फूड अपने अंदर मिलेगा। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द फूड वैक्यूल है, ये है पैरामैग्नीशियम का फूड वैक्यूल। ये यहाँ पर है ओरल ग्रूव, पैरामैग्नीशियम का ओरल ग्रूव, ठीक है ना, माउथ की तरह है, हमारा माउथ जैसा है बकेल कैविटी, ये माउथ के अंदर में जो कैविटी है उसी की तरह ये माउथ का कैविटी की तरह ये ओरल ग्रूव काम करता है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर है एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस कॉल्ड मैक्रो न्यूक्लियस, इसके साथ एक छोटा सा भी न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ऊपर में यहाँ पर एक फ्लावर की तरह देखो इतना खूबसूरत एक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम लोग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना प्यारे बच्चों ये सब जो है ना तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, इसको हम लोग कहते हैं, इससे क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर और फिर आयंस का यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन करके रखने का काम, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पर ये है एक बड़ा सा न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो है ना ये बॉडी का सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर ये है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल और इसी के द्वारा ये पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है ना, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है, पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफर करेगा अगले जनरेशन में ये छोटा न्यूक्लियस के साथ के थ्रू से। छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए वो सब जो होता है ना हम लोग का वही होता है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक फूड आया इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, दिस इज द फूड, फूड पार्टिकल है, तो पैरामैग्नीशियम जो है ना वो अपना सीडोपोडिया का देखो ऐसे ऐसे जो मूवमेंट करता है ना टू एंड फ्रो, वही सीडोपोडिया सॉरी सीलिया का मूवमेंट जो है, सीडोपोडिया नहीं सीलिया, सीलिया का मूवमेंट से क्या करेगा ये फूड को पुश करते 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 ये अपने ओरल ग्रूव में अंदर ले लेगा। यहाँ से फूड जो है ना चले जाएगा यहाँ पर फूड वैक्यूल में। तो यहाँ पर इंजेक्शन, नंबर वन इंजेक्शन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंजेक्शन के बाद फिर क्या होगा, ये फूड वैक्यूल में फूड जाने के बाद देखो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें जो है ना पोर करके डाइजेशन हो जाएगा, सेकेंड स्टेप डाइजेशन विल गेट कंप्लीटेड। डाइजेशन होने के बाद अब जो है ना तीसरा स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड जो है ना उसको बॉडी का हर एक पार्ट हर एक कोना में जो है यहाँ पर हर जगह पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद हर जगह पहुंचने के बाद फूड जो है उसमें ऑक्सीडाइज करके फूड को फिर क्या किया जाएगा, एसिमिलेशन किया जाएगा फूड को ऑक्सीडाइज करके। हम लोग अमीबा में तो पढ़े थे ना फूड को ऑक्सीडाइज करके यानी कि फूड में ऑक्सीजन करके फूड को जो है ना ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है ना,
दैट स्टेप विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एंड नंबर 5 इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी के बाहर रिमूव आउट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर अमीबा की तरह इजेशन नहीं होता है. यहाँ पर जो है ना अमीबा में क्या था कि बॉडी का कोई भी सरफेस से यहाँ वहाँ हर जगह से जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डिफिनिट स्पॉट होता है. ये जो डिफिनिट स्पॉट है ना, इसी से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे बाहर निकाला जाता है, यानी कि इजेशन क्या होता है. सो दिस आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा. और यहाँ पर जो है मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑरल ग्रुप, ये सब के बारे में जो है ना एग्जाम में कभी भी नहीं लिखना. ये सब एग्जाम में तुम लोग का आएगा भी नहीं. ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैंने देखकर के यहाँ पर पढ़ाया. ये सब को जो है एग्जाम में बिल्कुल लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सिंपल वे में जो है डिस्क्राइब करके लिखना है. तो समझ में आया होगा आशा करते हैं. और अगर समझ में आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, वो सब अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो सब को शेयर कर दो जो ऑफलाइन सेंटर में एफर्ट नहीं कर पाते आने के, ठीक है, या फिर कहीं और जाने के लिए एफर्ट नहीं कर पाते, वो सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. और मैं खास करके वही सब बच्चों के लिए मैं ये सब लेक्चर्स लेकर के आया हूँ ताकि मेरे बचपन में जो जैसा बीता था वो मेरे साथ, वो किसी और के साथ ना हो. तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, फिर अगले लेक्चर में. फिर तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना. और कम्युनिटी जो है ना प्रोएक्टिव अकेडमी चैनल का, कम्युनिटी में मैं क्विज डालता हूँ रेगुलरली, एवरीडे डालता हूँ, उसको भी जो है अटेम्प्ट करते रहो. उससे तुम्हारा एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व होते रहेगा. हो सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में जो है ना उसी सबसे एमसीक्यूज बहुत सारे फंस जाए. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, पढ़ते रहना फुल जोश के साथ. और फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना.